दोस्तों, मौसम बदलने पर सर्दी खांसी होने की समस्या एक आम बात है, पर कभी कभी खांसी होने लगती है तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेती है, जिससे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अगर आप भी इस खांसी की समस्या से परेशान हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके इस्तेमाल करने से आपकी खांसी की समस्या तुरंत ही ठीक हो जाएगी। हम में से ज्यादातर लोग सर्दियों में अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, लेकिन जाती हुई सर्दियों को अनदेखा करते हुए लापरवाही करने लगते हैं, जिससे खांसी जुकाम जैसी समस्याएं होने लगती हैं। कभी कभी तो खांसी इतनी बढ़ जाती है कि इसे ठीक होने में कई दिन लग जाते हैं। आज हम आपको काली मिर्च के एक ऐसे नुस्खे के बारे में बता रहे हैं जो जाती हुई सर्दियों में ना सिर्फ आपकी खांसी जुकाम को ठीक कर देगा, बल्कि इसके इस्तेमाल से कई और भी फायदे हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप घी और काली मिर्च का प्रयोग करके अपनी खांसी को ठीक कर सकते हैं। भारत में सालों से घी का इस्तेमाल हर्बल दवाइयों के साथ किया जाता है। ये दोनों चीजें शरीर को अलग अलग तरीके से फायदा पहुंचाती है, परंतु जब हम काली मिर्च और घी को मिलाकर खाते हैं तो इसके फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं। तो चलिए, आज हम आपको बताने वाले हैं कि सूखी खांसी में कैसे आप काली मिर्च और घी का प्रयोग करके अपनी खांसी को मिनटों में ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा घी और काली मिर्च को खाने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको दोनों तरीके से बताने वाली हूँ, सूखी खांसी के लिए भी, और अगर आपको बलगम वाली खांसी है उसमें भी आप काली मिर्च का प्रयोग कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी बताने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सके। पहले बनाते हैं हम अपनी आज की रेमेडी को, जिसके लिए हम लेंगे 1 चम्मच काली मिर्च। साबुत काली मिर्च का प्रयोग करेंगे दोस्तों। हम बाजार से पीसी हुई काली मिर्च नहीं लेंगे। एक तो हमें काली मिर्च के पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है, बारीक पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें दरदरी काली मिर्च चाहिए। दूसरी, बाजार की काली मिर्च जो होती है पीसी हुई, उसमें मिलावट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हम साबुत काली मिर्च का प्रयोग करेंगे और उसे माम जस्ते में दरदरा कूट लेंगे। काली मिर्च में पेपरिन नामक तत्व पाया जाता है। ये तत्व औषधीय गुणों से भरपूर है। इसमें आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, विटामिन ए और अन्य पोषक तत्व तो पाए जाते हैं। दोस्तों, काली मिर्च में विटामिन सी, विटामिन ए, फ्लेवोनॉइड्स, कैरोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जो शरीर में खतरनाक फ्री रेडिकल्स के असर को बेअसर करता है, जिससे आप कैंसर से बच सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि काली मिर्च में पेपरिन नाम का तत्व पाया जाता है, जो ब्रेस्ट कैंसर को रोक सकता है। दरदरा कूटिए, ज्यादा बारीक मत करिए इसे। अब इसके 2 हिस्से कर लीजिए। एक हिस्से से हम बनाएंगे सूखी खांसी की दवाई और दूसरे हिस्से से हम बनाएंगे बलगम वाली खांसी की दवाई। चलिए पहले बनाते हैं सूखी खांसी की दवाई। एक तवा ले लीजिए और उसे तेज गर्म कर लीजिए। जब आपका तवा गर्म हो जाए तो गैस को बिल्कुल सिम कर दीजिए। अब इस पर डालिए बिल्कुल थोड़ा सा घी। अगर आपके पास गाय का घी है तो उसे ही इस्तेमाल करें, क्योंकि वो सबसे बेस्ट रहता है, वरना आप भैंस के घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घी खाने के अनेकों फायदे हैं। घी विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स और हेल्दी फैट का एक बेहतर सोर्स है। घी में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। विटामिन ई के एंटीऑक्सीडेंट्स खूबियों से भरपूर होते हैं, जो कैंसर, गठिया और मोतियाबिंद के खतरे को कम करते हैं। कुल थोड़ी सी मात्रा में घी का प्रयोग करें। अब इसमें कुटी हुई काली मिर्च डाल दें और इसे सिम गैस पर ही भूनना है। हमें काली मिर्च को जलाना नहीं है दोस्तों, इसे हल्का हल्का कुरकुरा कर लेना है। 1 से 1.5 मिनट तक इसे हल्का हल्का ऐसे ही चलाते रहें, हिलाते रहें, छोड़ना नहीं है। जब इसका रंग हल्का सा ब्राउन होने लगे तो इसे एक कटोरी में निकाल लीजिए। दोस्तों, ये आपकी एक रेमेडी तैयार हो चुकी है। घी और काली मिर्च का कॉम्बिनेशन ऐसा होता है जो सूखी खांसी के लिए बहुत ही असरदार होता है। दोस्तों, ये एक प्राचीन आयुर्वेदिक नुस्खा है जो बहुत ही कारगर साबित होता है। आपने इसके कुछ दाने मुंह में लेकर चूसने हैं, इसे चबाकर खाना नहीं है, इसे मुंह में लेकर चूसते रहना है। घी आपके गले को तरावट देता है, ड्राई नहीं होने देता है, और काली मिर्च आपकी खांसी को ठीक करने में बहुत मददगार साबित होती है, जिससे आपकी लगातार हो रही खांसी में काफी आराम मिलता है। इसे आप किसी भी टाइम ले सकते हैं, चाहे रात को सोने से पहले ले लें और इसे चूसते रहें, या फिर दिन में जिस टाइम आपको प्रॉब्लम ज्यादा हो रही हो उस समय इसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको बलगम वाली खांसी है, उसके लिए आपको क्या करना है, आपने सूखा तवा ले लेना है, उसे गर्म कर लीजिए, घी का प्रयोग नहीं करना है, और जो आपने कुटी हुई काली मिर्च रखी थी उसे इस पर भून लेना है। सूखा ही भूनना है, इसमें आपको घी नहीं डालना है। 1 से 2 मिनट इसे सूखा भूनिए, हल्का सा ब्राउन कीजिए। जब आपका ये भून जाए तो इसे एक कटोरी में निकाल लीजिए। दोस्तों, ये तैयार हो चुकी है आपके बलगम वाली खांसी की दवाई।
इसे ऐसे ही मुंह में डालिए और चूसिए। आपके छाती में जितना भी जमा हुआ बलगम है धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा। ये बहुत ही कारगर नुस्खे हैं, इन्हें जरूर ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा आप काली मिर्च को गर्म दूध में मिलाकर भी ले सकते हैं। दोस्तों, घी और काली मिर्च का मिक्सचर दिल को जवान और मजबूत रखता है। इन दोनों चीजों के एक साथ सेवन से शरीर में एंजियोजेनेसिस को बढ़ावा मिलता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे शरीर की ब्लड वेसल्स बनने लगती है। ये ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करके दिल को हेल्दी रखता है। ये दोनों चीजें शरीर को अलग अलग तरीके से फायदे पहुंचाती हैं, परंतु जब आप इन दोनों चीजों को मिलाकर खाते हैं तो इनके फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं। सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी को दूर करने के अलावा घी और काली मिर्च आंखों की रोशनी बढ़ाने में सहायक होते हैं। रोजाना घी का इस्तेमाल करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। इसके लिए देसी घी की कुछ बूंदों में काली मिर्च का पाउडर मिलाकर रोजाना इस्तेमाल करें। पैरों के तलवे में घी लगाने से कमजोर आंखों में सुधार हो सकता है। घी विटामिन ए का बेहतर स्रोत होता है। घी और काली मिर्च का मिश्रण इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। सर्दियों में जोड़ों में दर्द की दिक्कत बढ़ जाती है, इससे आराम पाने के लिए घी और काली मिर्च का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए काली मिर्च को भूनकर घी के साथ खाना चाहिए। ये मिश्रण शुगर लेवल को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। पाचन शक्ति को मजबूत करता है घी और काली मिर्च का मिश्रण। दोनों ही चीजें औषधीय गुणों का भंडार है। घी हेल्दी फैटी एसिड होता है, जबकि काली मिर्च में डिटॉक्सिफाइंग गुण होते हैं। यही वजह है कि इन दोनों चीजों को एक साथ खाने से शरीर में जमी गंदगी बाहर निकलती है और पाचन तंत्र मजबूत हो जाता है। दिल को रखता है जवान और हेल्दी। घी और काली मिर्च का मिश्रण दिल को जवान और मजबूत रखता है। इन दोनों चीजों के एक साथ सेवन से शरीर में एंजियोजेनेसिस को बढ़ावा मिलता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे शरीर की ब्लड वेसल्स बनने लगती है। ये ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करके दिल को हेल्दी बनाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे घी और काली मिर्च का मिश्रण सर्दी जुकाम से लेकर जोड़ों के दर्द तक हर बीमारी का इलाज है। इसलिए दोस्तों, इसका प्रयोग जरूर करें। अगर आपको सर्दी खांसी है तो इसका जरूर इस्तेमाल करें। अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम नहीं है तो भी इसका सर्दी प्रयोग जरूर करें, क्योंकि ये एक अचूक नुस्खा है, बेजोड़ नुस्खा है, जो आपको काफी बीमारियों में राहत दिलाएगा। उम्मीद है दोस्तों, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।